हाँ तो दोस्तों, मैंने आपको आगे दिखाया कि फार्मटेक 60 का क्रैंक सिलेंडर ब्लॉक में कैसे फिटिंग करते हैं। तो अभी हमें इसका पिस्टन फिटिंग करना है। तो ये पतला वाला हिस्सा नोज़ल की ओर रहेगा, यानी ये नोज़ल की ओर आएगा, और यहाँ पे ये कनेक्टिंग, ये जो मक्की वाला हिस्सा है कट वाला, ये डीजल पंप की ओर रहेगा। तो जहाँ पर हमारा नोज़ल का पतला हिस्सा है पिस्टन का, इस ओर हमें ये कट वाला हिस्सा भी रखना है। तो ये दोनों डीजल पंप की ओर आ जाएंगे, और इसका डीजल पंप राइट साइड में लगता है। तो अभी इसका पिस्टन का रिंग, इसमें 4 पिस्टन का रिंग है, तो हमें इसको फिटिंग करना है। और यहाँ पे सावधानी बरतना है, क्योंकि इसमें 2 क्रोमियम का रिंग रहता है स्टील वाला, और ये ब्लैक वाला कंप्रेशन रिंग, और एक ऑयल रिंग। तो देख सकते हैं ये जो क्रोमियम रिंग है उसमें कट लगा हुआ है ऊपर की ओर, ये पूरा, और ये कंप्रेशन रिंग में भी कट लगा हुआ है ऊपर की ओर, देख सकते हैं। तो ये दोनों को हमें, ये कट वाला हिस्सा ऊपर की ओर रखना है, और ये टॉप रिंग देख सकते हैं जिसमें कोई भी कट नहीं है, ये सबसे टॉप में आएगा, ऊपर की ओर रहेगा। उसके बाद जो कट वाला क्रोमियम रिंग है, ये वाला, ये लगेगा, और इसके बाद जो काला रिंग है कट वाला, वो लगेगा। तो कुछ इस तरह से ये सब रिंग फिटिंग होगा। तो ये 3 नंबर पे आएगा, और ये कट वाला हिस्सा हमें ऊपर की ओर रखना है, देख सकते हैं यहाँ पे कट और टॉप लिखा हुआ है। तो ये 3 नंबर पे आएगा ऐसे, और सबसे लास्ट में ये ऑयल रिंग आएगा। तो मैं इसको फिटिंग करके दिखाता हूँ। तो ये ऑयल रिंग का जो स्प्रिंग है वो लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये इसके पैकिंग में भी लिखा हुआ है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अगर हम इस तरीके से डालने जाएंगे तो प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि लेट वाले कभी कभी इसको उलट पुलट भी कर देते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसको नहीं देखना है, क्योंकि लेट वाले नापने के दौरान जब उसको निकालते हैं तो ये 1 नंबर को 2 नंबर में भी डाल देते हैं, कभी 2 नंबर वाले को 3 नंबर में डाल देते हैं, तो प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये हमें नहीं देखना होता है। तो ये पेंट किया हुआ हिस्सा देख सकते हैं, ये जो पीले रंग का पेंट किया हुआ है, तो ये ऑयल रिंग का स्प्रिंग है। तो ये यहाँ पे आना चाहिए, इसका ये जो जॉइंट वाला हिस्सा है ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको हमें बिल्कुल इसके अपोजिट साइड में ले जाना है। और ये पेंट वाला हिस्सा कंपनी ने इसीलिए दिया है कि ये एक्यूरेट उसके अपोजिट साइड में हो जाए। तो चलो सबसे पहले स्प्रिंग लगा लेते हैं, और उसके बाद इसका ये ऑयल रिंग लगेगा। तो अभी देख सकते हैं मैंने इसको घुमा लिया है, और ये यहाँ पे लिखा है टॉप, तो ये टॉप वाला हिस्सा हमें बिल्कुल ऊपर की ओर रख के इसको फिटिंग करना है। और पेंट जो मैंने आपको दिखाया पीले रंग का, वो हमें इसके जोर के बिल्कुल सामने रखना है। तो देख सकते हैं ये वाला पेंट वाला हिस्सा, कंपनी इसी की वजह से इसको पेंट देती है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है टॉप, और ये कट वाला हिस्सा है जो कंप्रेसिंग रिंग का, वो कुछ इस तरह से फिटिंग होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों में शेयर करना ना भूले, ताकि उनको भी ये पूरी जानकारी मिल पाए। तो अभी इसके बाद ये कट वाला हिस्सा देख सकते हैं, तो ये हमें ऊपर की ओर रखना है, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है टॉप, तो इसको भी इस तरह से फिटिंग करना है। और ये क्रोमियम रिंग है, और ये टॉप रिंग, ये भी क्रोमियम है, और इसमें कोई कट नहीं है, आप देख सकते हैं, ओनली उस पर लिखा हुआ है टॉप यहाँ पे। तो ये टॉप हमें ऊपर की ओर रख के इसको फिटिंग करना है। तो दोस्तों, ऐसे वीडियोस के लिए एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट तो बनता ही है। और हाँ दोस्तों, मैं ये वीडियोज़ हमारे किसान भाइयों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे मैकेनिकल भाइयों को तो इस चीज़ की पूरी जानकारी है, और वो काफ़ी अच्छा मुझसे भी जानकारी रखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों में शेयर करें, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले दोस्तों, आपकी एक लाइक हमारा हौसला बढ़ा देती है, और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए हमें आकर्षित करती है दोस्तों। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले, और अपने दोस्तों में शेयर करना भी ना भूले। और आपने क्रैंक फिटिंग का वीडियोज़ नहीं देखा तो ज़रूर देखें। तो दोस्तों, अभी हम इसका रिंग का गैप मिलाना है। तो ये ऑयल रिंग कुछ इस तरह से होगा,
उसके बाद नंबर दो वाला रिंग बिल्कुल इसकी अपोजिट साइड में हमें रखना है, थोड़ा 19-20 रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरह से हमें इसको रखना है। और नंबर तीन कुछ इस तरह से आएगा बिल्कुल उसके अपोजिट साइड में, और नंबर एक बिल्कुल अपोजिट साइड में आएगा। इस तरह से हमने सामने रखना है, 1, 2, 3, 4 इस तरह से एक दूसरे के अपोजिट साइड रखना है, न कि एक लाइन में हमें रखना है। तो देख सकते हैं अभी इस तरह से हमें इसका सभी कट मिला लेना है। तो सभी पिस्टन का रिंग मैंने कम्प्लीटली आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है। तो अभी हम इसको सिलेंडर ब्लॉक में ये सभी पिस्टन को फिटिंग करना है। दोस्तों ऐसे तो ये वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको एक पिस्टन डाल के दिखाता हूँ, उसके बाद जल्दी से तीनों पिस्टन डाल के मैं आपको दिखा दूँगा। तो अभी हमें ये पिस्टन रेडी है, तो हमें सिलेंडर ब्लॉक में उसको फिटिंग करना है। तो अभी सिलेंडर ब्लॉक में इसको कैसे फिटिंग करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप ये वीडियो दोस्तों लास्ट तक वॉच करना। और मैं इसके अलग अलग सभी पार्ट आपको दिखाता रहूँगा, तो ज़रूर देखना। तो दोस्तों अभी हमने इसका ये पतला वाला जो हिस्सा है हमें इस और रखना है, क्योंकि इसका डीजल पंप राइट साइड में लगेगा, तो ये नोजल का पतला हिस्सा हमें नीचे की ओर रखना है। तो इस तरह से हमें फिटिंग करने से पहले अच्छे से ऑयल लगाना है सिलेंडर ब्लॉक में भी, और ये पिस्टन का रिंग और पूरे पिस्टन पे हमें अच्छे से इसको लुब्रिकेट करना है, ताकि इसका रिंग चिपक ना पाए और आसानी से फिटिंग हो जाए दोस्तों। तो अभी आपने देखा कि हमने एकदम आसानी से पिस्टन का रिंग फिटिंग कर लिया है, और इसके बाद हमें इसको सिलेंडर ब्लॉक में फिटिंग करना है। तो इसको अभी हम जल्दी से फिटिंग करते हैं। ऐसा वो रिंग कॉम्प्रेशन ले लो बेटा। तो अभी हमने क्रैंक को घुमा के टॉप पे रखा हुआ है, ले लो दोस्तों। पिस्टन को सिलेंडर ब्लॉक में फिटिंग करने से पहले हमें एक मरतबा वापस पिस्टन रिंग को चेक करना है कि जो जोर यानी कि उसका जो कट वाला हिस्सा हमने मैच किया था एक दूसरे की अपोजिट साइड, वो उसकी जगह पे सही है या घूम गया है, वो हमें एक मरतबा और चेक कर लेना है। तो देख सकते हैं अभी ये कम्प्लीट है, और ये पतला वाला हिस्सा जो नोजल वाला है वो नीचे की ओर और ये कट आगे की ओर रहेगा इस तरह से। तो चलो मैं इसको जल्दी से फिटिंग कर लेता हूँ। तो अभी इसको हमें रिंग कॉम्प्रेशन लगाना है ये वाला, और इसको भी हमें ऑयल लगाना है ताकि ये आसानी से मूव हो जाए। और इसके बाद ऐसे पीवीसी बार की मदद से दोस्तों हम इसको अंदर हल्के से पुश करना है, न कि कोई लोहे की चीज़ से, लोहे की चीज़ से हमारा पिस्टन ख़राब हो सकता है, इसलिए ऐसे पीवीसी बार का यूज़ करना है। तो अभी देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला पिस्टन बिल्कुल आसानी से ये कंप्लीट पुश हो चुका है। तो अभी हम इसका कनेक्टिंग कैप फिटिंग करना है, ये यहाँ पे एक नंबर कनेक्टिंग कैप हमें फिटिंग करना है। तो इसको भी हमें ऑयल लगा लेना है, और ये कनेक्टिंग कैप पे भी इसे ऑयल लगा लेना है, और ये जो मक्की वाला यानी कट वाला हिस्सा नीचे की ओर रहेगा, और इसका ये जो नंबर रहता है एक नंबर वो नीचे की ओर आएगा ऐसे। हाँ तो दोस्तों अभी हमने एक नंबर कनेक्टिंग कैप को फिटिंग कर लिया है, तो अभी हम इसको टॉक रेंच की मदद से इसको टॉक देना है, और ये 17 नंबर की नट है,
तो इसको इस तरह से हमें हल्के से टाइट करना है और उसके बाद इसको हमें 85 का टॉर्क देना है, यानी 85 का, क्योंकि ये 17 नंबर की नट है तो ये 85 पे इसका टॉकरेंस का टॉर्क लगेगा। और दोस्तों इसको 90 पे कर देंगे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम इसको टॉकरेंस का टॉक मिलाना है 85, तो मैं इसको मैच कर लेता हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे 85 हो जाएगा। तो अभी इस तरह से इसको मैच कर लेना है। तो दोस्तों ऐसे वीडियोस के लिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट और एक शेयर तो बनता ही है। और दोस्तों लाइक तो ज़रूर करें हमारे वीडियोस को, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाती है और हमें और भी अच्छे वीडियोस बनाने के लिए आकर्षित करती है, उत्साहित करती है दोस्तों। तो अभी देख सकते हैं कि हमने इसका ये नंबर एक पिस्टन फिटिंग कर लिया है। एजाज इसको घुमाओ, पेचकस ले लो और ये फ्लाईव्हील का बोल लगा लो, तो घुमाओ। हाँ घुमाओ। तो अभी देख सकते हैं दोस्तों ये एकदम इजीली कुछ इस तरह से एकदम इजी घूमना चाहिए ये। और हमें बारी बारी से एक एक पिस्टन डाल के इसको हमें घुमा के देखना है। तो अभी देख सकते हैं हमने एक नंबर पिस्टन को फिटिंग कर लिया है और एकदम आसानी से घूम सकता है। घुमाना डाल पिक्चर, हाँ तो देख सकते हैं अभी एकदम इजीली मूवमेंट हो रहा है। तो ये कंप्लीट है दोस्तों। तो अभी मैं जल्दी से ये दोनों पिस्टन को भी फिटिंग कर लेता हूँ सिलेंडर ब्लॉक में, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कंप्लीट फिटिंग होने के बाद। हाँ तो दोस्तों अभी ये कंप्लीट फिटिंग हो चुका है और आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से काम करता है। इसका फायरिंग ऑर्डर होता है 1 2 3। तो अभी ये कंप्लीट हो चुका है आप देख सकते हैं। तो जैसे हमारा इंजन स्टार्ट होता है तो ये कुछ इस तरह से काम करता है, 1 2 3 इसका फायरिंग ऑर्डर होता है। तो दोस्तों ये इस तरह से काम करता है हमारा इंजन। और आ दोस्तों मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊंगा कि उसका टाइमिंग प्लेट, फ्लाईव्हील, क्रैंकशाफ्ट कैसे फिटिंग करते हैं, वो नेक्स्ट बताऊंगा मैं आपको।